हेलो एवरीवन, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में, और इस वीडियो के अंदर मैं स्टार कनेक्टेड लोड से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर VAN, VBN एंड VCN फेज वोल्टेजेस हैं, IA, IB एंड IC लाइन करंट्स हैं, और VAB, VBC एंड VCAC यहाँ पर लाइन वोल्टेजेस की वैल्यू है। तो अगर यहां से मैं VAB लिखना चाहता हूं तो A से हम स्टार्ट करेंगे, करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो VAN को पॉजिटिव लिया जाएगा, और उसके बाद VBN के लिए करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हम चल रहे हैं तो VBN को नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहां से VAB की वैल्यू हो जाएगी VAN माइनस VBN। सिमिलरली VBC और VCA की वैल्यू भी हम यहां से लिख सकते हैं। तो ये तीन इक्वेशन हमें यहां पर मिल रही है। अगर इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद ये छह की छह टर्म्स यहां से कैंसल आउट हो जाएंगी और तीनों लाइन वोल्टेजेस का सम हमें जीरो के इक्वल मिलेगा। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे वो डेल्टा कनेक्टेड हो या स्टार कनेक्टेड हो, हर सिस्टम में ये इक्वेशन वैलिड है। अब बात करते हैं लाइन वोल्टेज के जीरो सिक्वेंस कॉम्पोनेंट के बारे में। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहां पर तीनों लाइन वोल्टेजेस का सम जीरो के इक्वल हमने पहले ही निकाला हुआ है। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज की वैल्यू यहां से आ जाएगी जीरो। ये हुआ पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब बात करते हैं लाइन वोल्टेज के पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के बारे में। इस इक्वेशन को अगर पॉजिटिव सीक्वेंस की टर्म में हम लिखना चाहें तो वहां से VAB1 इक्वल होगा VAN1 माइनस VBN1, और इन फेज वोल्टेजेस के लिए जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का फेजर डायग्राम होगा वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। VAN1 को रेफरेंस पे लिया गया है। हमें परफॉर्म करना है VAN1 माइनस VBN1। तो सबसे पहले हमें चाहिए माइनस VBN1। माइनस VBN1 के लिए VBN1 को माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा, और VBN1 को अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ VAN1 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये 240 से शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके VAB1 की वैल्यू आ जाएगी √3 टाइम्स ऑफ VAN1 एट एन एंगल 30 डिग्रीज। इसका मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स होता है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज वोल्टेज, और उसे लीड करता है 30 डिग्रीज है, जो कि हमें फेजर डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। जो ये रिजल्टेंट है VAB1 वो VAN1 को 30 डिग्री से लीड कर रहा है। अब बात करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज के बारे में। सेम इक्वेशन को हम नेगेटिव सीक्वेंसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। VAB2 इज इक्वल टू VAN2 माइनस VBN2। फेजर डायग्राम हमने यहां पर बना रखा है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज वोल्टेजेस के लिए, जहां पर VAN2 को रेफरेंस पे लिया गया है, और हमें यहां परफॉर्म करना है VAN2 माइनस VBN2। तो माइनस VBN2 के लिए VBN2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके हम इधर शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट होगा VAB2, और VBN2 को हम अल्फा टाइम्स ऑफ VAN2 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर ये 120 से शिफ्ट हो जाएगा, जो कि VBN2 है। फेज सीक्वेंस यहाँ पर ओरिजिनल सिस्टम के फेज सीक्वेंस का रिवर्स है ACB। फाइनली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद VAB2 की वैल्यू आ जाएगी √3 टाइम्स ऑफ VAN2 एट एन एंगल माइनस 30 डिग्रीज। इसका मतलब स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज के नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू √3 टाइम्स होती है फेज वोल्टेज के नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू के, और उसे लैग करती है 30 डिग्री से। तो यहां से स्टार कनेक्टेड लोड के लिए फाइनली तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो। सेकंड है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज वोल्टेज एंड लीड्स द फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्रीज। लास्ट है नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज वोल्टेज एंड लैग्स द फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्रीज। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पावर सिस्टम्स। वहां पर हम जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइंस को एक
सीक्वेंस कंपोनेंट्स की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।